तो हेलो दोस्तों, क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई जाति देखकर टीम इंडिया में खिलाड़ियों का सिलेक्शन करता है? अगले महीने बांग्लादेश दौरे के लिए टीम को लेकर इस तरह का आरोप बोर्ड पर लगने लगे हैं। शानदार फॉर्म में चल रहे सूर्य कुमार यादव और प्रतिभाशाली विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को बांग्लादेश में होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया है। तब से सोशल मीडिया पर कास्टिस्ट बीसीसीआई यानी जातिवादी बीसीसीआई ट्रेंड कर रहा है। बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया से सूर्या और सैमसन को बाहर रखे जाने की खबर आते ही ट्विटर पर फैंस ने बीसीसीआई को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में हैशटैग कास्टिस्ट बीसीसीआई ट्रेंडिंग हैशबैग बन गया और समाचार लिखे जाने तक करीब 40,000 लोग इस हैशबैग पर पोस्ट लिख चुके थे। ज्यादातर पोस्ट में ऋषभ पंत को लगातार फेल होने के बावजूद टीम इंडिया में मौका दिया जाने का विरोध हो रहा है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। उन्होंने अब तक 27 वनडे मैचों में 36.52 के औसत से 840 रन बनाए हैं। टी20 इंटरनेशनल में उनका प्रदर्शन और भी कमजोर है। इस फॉर्मेट में उन्होंने 66 मैचों में 22 के औसत से 987 रन बनाए हैं। विरोध करने वालों का मानना है कि केरल के विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का दावा पंत की तुलना में ज्यादा मजबूत है। सैमसन ने अब तक 10 वनडे मैचों में 73.5 की औसत से 294 रन बनाए हैं। टी20 इंटरनेशनल में सैमसन का रिकॉर्ड भी पंत की तरह कमजोर रहा है। उन्होंने 16 टी20 में 21 के औसत से 296 रन बनाए हैं। हालांकि सैमसन को कभी निरंतर रूप से भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला है। बीसीसीआई का कहना है कि सूर्य कुमार यादव को बांग्लादेश दौरे से आराम दिया गया है। सूर्य जुलाई से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप के बाद वे न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेले थे। जब इस बारे में बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत सूर्य को आराम दिया गया है। हालांकि यह फैसला सूर्य के फैंस को रास नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि सूर्य को वैसे ही काफी देरी से भारत के लिए खेलने का मौका मिला है। ऐसे में जब वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा मैच देना चाहिए। तो दोस्तों, बांग्लादेश दौरे के लिए सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन को टीम ने ड्रॉप कर दिया है और इस पर संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के फैंस भड़क उठे हैं और सोशल मीडिया पे जातिवाद को लेकर बीसीसीआई को निशाना बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।